दोस्तों TVS क्रेडिट साथी अगर अपना अकाउंट से ज़्यादा पैसा काट लिया, मतलब जितना अमाउंट काटने वाला था उससे अगर ज़्यादा पैसा काट लिया है, उस स्थिति में पैसा को कैसे रिफंड लिया जाता है, इसका मेरा पूरा का पूरा एक्सपीरियंस हो चुका है। एंड मैं पार्ट बाय पार्ट ऐसे बहुत सारा वीडियो बना के रखा हूँ ऑलरेडी, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन ये वीडियो पर मैं आप सबको कंप्लीट नॉलेज देने का कोशिश करूँगा। मेक श्योर आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखेंगे, ठीक है। सो जैसे कि आप सबको पता है TVS क्रेडिट साथी का जो EMI हर महीने का 3 तारीख को डेबिट होता है, और इस महीने पर यानी फरवरी 2023 में भी बहुत सारा लोगों के साथ में कुछ इस प्रकार का कहानी हुआ है कि जितना पैसा EMI पर काटने वाला था उससे ज़्यादा पैसा काट लिया, या फिर कुछ कुछ लोगों का तो भैया मतलब 2 EMI एक ही दिन में काट लिया, मतलब 2 अलग अलग प्रकार से अकाउंट पर हिट हुआ है। ऐसा कुछ चीज़ें हुआ है, तो आप लोगों को बेसिकली सबसे पहले TVS क्रेडिट साथी का जो कस्टमर केयर है उस जगह पर कॉल करना पड़ेगा। हाँ, मुझे पता है कॉल ज़्यादातर समय पर कनेक्ट नहीं होता है, हम लोग काफ़ी लंबा समय वेट कर लेते हैं लेकिन फिर भी कॉल कनेक्ट नहीं होता है। इसका अल्टरनेटिव रास्ता क्या है, ट्विटर, आप लोग ट्विटर के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन जो भी हो, कॉल पर आप बात कीजिए या फिर ट्विटर के माध्यम से कॉन्टैक्ट कीजिए, आप लोगों को ईमेल करना ही पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला काम होता है आपको किसी भी प्रकार से TVS वालों के साथ कॉन्टैक्ट करना। आप ट्वीट कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो, उसके अलावा कॉल भी कर सकते हो। एक बार अगर कॉन्टैक्ट हो जाएगा तो आपको ईमेल करना है। अगला स्टेप पर ईमेल पर आपको सबसे पहले लिखना है TVS क्रेडिट साथी, उसके बाद अपना नाम लिखेंगे कि भाई मेरा नाम ये है, मेरा लोन अकाउंट नंबर ये है, कौन सा तारीख को लोन EMI डेबिट हुआ था वो डेट भी डालेंगे, साथ में कितना अमाउंट का डेबिट हुआ है वो भी डालेंगे। उसके साथ साथ ये भी मेंशन करेंगे कि भैया मेरा EMI है इतना, लेकिन आप लोगों ने ज़्यादा पैसा काट लिए हो और टोटल अमाउंट इतना काटे हो, साथ में कितना अमाउंट का ज़्यादा काटे है वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा ईमेल पर। उसके साथ साथ आप ये भी बताएंगे कि आपने ज़्यादा पैसा काट लिए है, जितना जल्दी हो सके मेरा बाकी का पैसा रिफंड कीजिए, नहीं तो मैं कंज्यूमर केस करने वाला हूँ। और ये तो ईमेल का फॉर्मेट बन गया है, ठीक है। अभी आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट पर आप लोगों को सबसे पहले लोन सैंक्शन लेटर देना पड़ेगा, मतलब TVS क्रेडिट साथी से आप लोग लोन के लिए अप्लाई किए थे उस लोन का जो सैंक्शन लेटर है, जहां पर पूरा चीज़ें मेंशन है कि कितना अमाउंट का लोन सैंक्शन हुआ है, कब EMI स्टार्ट हुआ है, कब तक चलने वाला है, कितना अमाउंट डेबिट होगा, कब डेबिट होगा, इस प्रकार का एक सैंक्शन लेटर है। उसी सैंक्शन लेटर को ईमेल पर अटैच करना पड़ेगा, साथ में अपना बैंकिंग का जो स्टेटमेंट है, ध्यान में रखेंगे नेट बैंकिंग या फिर एप्लीकेशन बैंकिंग का जो PDF वाला स्टेटमेंट होता है, उसी स्टेटमेंट को ईमेल पर अटैच करना है। क्योंकि आपने जो कि है अपना लोन सैंक्शन लेटर को भी अटैच कर लिए हो ईमेल पर, और बैंक का जो स्टेटमेंट है उसको भी अटैच कर लिए हो। अभी TVS कंपनी क्या करेंगे, दोनों को वेरीफाई करेंगे, और जबकि अपना अकाउंट से पैसा ज़्यादा काट लिए है उसके बाद जितना पैसा आपको रिफंड मिलना है ये पैसा रिफंड मिल जाएगा, लेकिन हाँ प्रोसेस लंबा होता है। मेरा एक्सपीरियंस के आधार पर लगभग 15 से 20 दिन लग जाएगा भैया पैसा रिफंड आने में। इतना पैसा आपके अंदर होना चाहिए। इनकेस अगर रिफंड नहीं देते हैं तो आप लोग कंज्यूमर केस कर सकते हो। आगे का प्रोसेस और आगे का एक्सपीरियंस आप सबके साथ में आगे शेयर करने का कोशिश करूंगा। अपना क्या कुछ एक्सपीरियंस है आप लोग मेरे साथ कमेंट के माध्यम से शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको भैया दिल से धन्यवाद।